नवरात्रि के चलते पूरा शहर इन दिनों देवी की भक्ति में लीन है। वहीं देवी माँ के प्रति लोगों की इतनी आस्था व विश्वास है कि लोग अपने आप को तकलीफ देने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे ही एक दृश्य कटरा मोहल्ले में बने पंडाल में देखने को मिला, जहाँ पाड़ेन टोला निवासी दशरथ साहू ने देवी माँ के चरणों में अपनी जीभ काट कर चढ़ा दी, जिसके बाद यह खबर तेजी से फैली और पंडाल में भजन कीर्तन व देवी गीत शुरू हो गया। वहीं देखने वालों की भीड़ भी जमा हो गई। बताया गया कि दशरथ की कई मनोकामनाएं थी, जिसे पूरा कराने देवी माँ को खुश करने जीव अर्पित की। प्रस्तुत एक झलकी एवं दशरथ के भाई महेश साहू एवं राजेंद्र से जानकारी के अंश। जो कि इनकी कुछ आराधना थी, अपने घर में बिना बताए जीप चढ़ाए माता जी को, और 10:30-11 के बीच में चढ़ाएँ और लगभग एक घंटे में 12:30-12 बजे के बीच में जी उनको मिल गई जीप। और ये हमको नहीं मालूम, तो हमारे ये छोटे भाई हैं और हमको नहीं बातें हैं क्या किस उसमें माता चढ़ा दिए हैं जीप। अब उनकी फिर भगत हुई, उनका पूरा आराधना वो हुआ। आराधना होने के बाद ये माता जी के जो अमृत है वो कुछ 1-2 घंटे में मिल गई है। अब ठीक है, अब ये है कि बैठा पड़ लेटा है। नाम क्या है? दशरथ साहू है। रहने वाले कहाँ? रहने वाले यही मकान है, हजारी चौराहा। हजारी चौराहा बलदार में।